शुरू में था वो मैच, उसमें उनको पराजय का सामना करना पड़ा था। तेलुगु वॉरियर्स ने 5 विकेट से वो जीत दर्ज की थी। थोड़ा सा गेम को स्लो किया है कप्तान सुदीप ने। ये रणनीति का हिस्सा रहता है कि जब भी बल्लेबाज तैयार होता है कि जोरदार स्ट्रोक लगाया जाए, तभी कप्तान क्षेत्ररक्षकों की स्थिति बदलने की कोशिश करते हैं ताकि खेल को थोड़ा सा धीमा किया जा सके। और इस स्थिति में मैच रेफरी की खास तौर से नज़र रहती है कि ये टाइम वेस्टिंग कहीं डेलिबरेटली तो नहीं है। देखिए किस तरीके से पिछली बॉल को ऑफ साइड में खेलने की कोशिश की थी। टीम के कप्तान और विकेटकीपर सुदीप, तेईस गेंदे 19 रन, बढ़िया गेंदबाजी, चेंज ऑफ पेस। गेंदबाजी में जब भी विविधता होगी तो बल्लेबाज को सोचने के लिए विवश होना पड़ता है। इसी वजह से असमंजस की स्थिति उत्पन्न होती है। काफी नजदीकी मामला हो सकता था 9 बॉल का, हालांकि डिलीवरी स्ट्राइड में जो फ्रंट फुट था वो पॉपिंग क्रीज से थोड़ा सा पहले लैंडिंग दिखाई दी थी। लक्ष्य नजदीक देखते हुए प्रदीप को मोर्चे पर लेकर आए हैं, तेज गति से परीक्षा लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऑफ स्टंप के बाहर और उछल कर 6 रन के लिए बाउंड्री के बाहर, ऑफ साइड में एक और छक्का। सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग, और सेलिब्रिटी अगर जोरदार शॉट लगाएं तो सबको मौका मिलता है सेलिब्रेट करने का। यहां पर उत्साह और एक उमंग का माहौल, देखिए किस तरीके से जोरदार तरीके से बॉल को खेल दिया 6 रनों के लिए। और जब आप कवर और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी क्रिकेट की क्षमताओं का विश्लेषण किया जाता है। तो यहां पर मोहन इस तरीके की बैटिंग करते हुए फिर से स्ट्राइक बदलते हुए 1 रन के साथ, और अब सिर्फ 20 गेंदों में 12 रनों की दरकार है तो सुनिश्चित सी जीत। समय जो भागीदारी है वो 54 रन की, और सिर्फ खूबसूरती उसकी ये सिर्फ 24 गेंदों में इन दोनों बैट्समैन ने एक तरीके से तख्ता पलट पारी खेली है और अपनी टीम को जीत के मुहाने पर पहुंचा दिया है। तख्ता पलट पारी भी और हारी हुई बाजी जिताने वाली भी, बहुत ही अच्छा प्रयास किया है इन दोनों ही बल्लेबाजों ने। बिल्कुल सही तकनीक और रणनीति, सीधे बैट से बॉल को गैप में प्लेस किया। अब यहां से कोई अतिरिक्त प्रयास की जरूरत नहीं है, आप केवल बेसिक्स को फॉलो करें, सीधे बैट से खेलें, बॉल को गैप में अगर प्लेस करेंगे सदैव 1 रन की संभावना बनी रहेगी, और 11 रन बनते ही आपके गले में विजयश्री की माला पहना दी जाएगी। मनोज क्या कहते हैं फिल्मी अंदाज में, हारी हुई बाजी को जीतने वाले को उसको कहते हैं बाजीगर। क्या बात है, सवाल किया और जवाब भी दे दिया। हालांकि थोड़ा सा नजदीकी मामला जरूर था, वाइट क्या इंडिकेटर लाइन जो कि बॉलिंग और पॉपिंग क्रीज के बीच में लगाई जाती है, ये बॉल उस लाइन के आसपास से निकली थी। शायद अंपायर ने इसी फैक्ट को कंसीडर किया। बढ़िया शॉट थर्ड मैन क्षेत्र में, केवल 1 रन। और आज बड़ा महत्वपूर्ण ये है कि 25 से अधिक अतिरिक्त रन जो यहां पर कर्नाटका बुलडोजर की टीम ने खर्चे हैं वो भी बहुत मुश्किल 25 अतिरिक्त, तो उसके बाद गेंदे उनको देने की जरूरत पड़ी, तो वहां सब मिला मिलू के ये कहा जाए कि सब गड़बड़ हो गया। और केरला स्ट्राइकर को अपने फैंस को एक बड़ी जीत देने का यहां अवसर मिला जवाहरलाल नेहरू इंटरनेशनल स्टेडियम कोची में। बीस गेंदों के ऊपर 31 रनों की पारी खेली है मदन मोहन ने।
कप्तान सुदीप ने जब देखा कि कोई भी गेंदबाज प्रभावशाली नहीं हो रहा, उन्होंने दूर शर्मा को गेंद थमा दी है। देखते हैं कि क्या कोई चमत्कार कर पाते हैं या नहीं। तीन खिलाड़ी ऑफ साइड में 30 गज के दायरे में मौजूद हैं। थर्ड मैन पॉइंट एक्स्ट्रा कवर्स, एक खिलाड़ी 30 गज के दायरे से बाहर लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में अगर वी की बात करें, जबकि एक खिलाड़ी स्वीपर एक्स्ट्रा कवर्स क्षेत्र में। आठ खिलाड़ियों को इस्तेमाल किया है बॉलिंग में। ध्रुव की पहली गेंद को हल्के से मोड़ करके एक रन का इजाफा किया, तो यह अंतिम मौका हो सकता है आपको सीसीएल सुपर फैन का बनने के लिए। 53333599 पर आप कॉल करिए और 1,00,000 रुपया जीतिए। राजीव अभी भी उपचार प्राप्त कर रहे हैं, जैसा कि बल्लेबाजी करते समय उन्हें चोट लगी थी, एक छोर पर डट के बल्लेबाजी की थी राजीव ने, भाग्यशाली नहीं रहे। तालमेल की कमी होने की वजह से रन आउट होकर के फिलहाल डगआउट क्षेत्र में मौजूद हैं। पैनी ने ड्राइव किया, स्वीपर कवर क्षेत्र में फील्डर मौजूद हैं, दूसरे रन के लिए जा रहे थे, गलती को सुधार लिया, अन्यथा मुश्किलें बन सकती थी बैनी के लिए। और ऐसे ही कोई गलती राजीव के द्वारा की गई, जो कि जमे हुए बैट्समैन थे, 38 रन पर रन आउट हो गए, तो इस मुकाम पर, इस मौके पर कोई ऐसी भूल नहीं होनी चाहिए। इस बीच लेग स्टंप पर ऑफ द पैड गेंद को खेल दिया, इस बार स्क्वायर लेग क्षेत्र में, और जो फासला है वो सिर्फ अब 7 रन का रह गया। 13 गेंदें, बड़ी महफूज और आरामदायक स्थिति में केरला स्ट्राइकर की टीम। इस पारी के दौरान मिड विकेट क्षेत्र में फील्डर मौजूद, सीधा निशाना लगाया था लेकिन मौका मिला दूसरा रन बनाने का। अब यहां से केवल 5 रनों की आवश्यकता केरला स्ट्राइकर्स को, और बचे हुए इस सीजन 6 के जो मैच हैं, ग्रुप मैचेस, वो काफ़ी रोचक हो जाएंगे यहाँ पर केरला स्ट्राइकर के जीतने के बाद। और कर्नाटका बुलडोजर का जो तेलुगु वॉरियर के साथ 7 फरवरी को मैच होना है हैदराबाद में, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। राकेश, दो टीमें आज डांस जरूर करेंगी, अगर केरला स्ट्राइकर्स जीती तो केरला स्ट्राइकर्स तो खेल के मैदान में, और चेन्नई रैनोस होटल में जैसे ही उन्हें दिखाई देगा कि कर्नाटका बुलडोजर्स की टीम को हार का सामना करना पड़ा है। मनोज, आप कहाँ डांस करोगे, आप तो बीच पे जाने की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अच्छा खासा हुजूम स्ट्राइकर्स के द्वारा। 19वां ओवर, प्रदीप और बल्ला बहुत बड़े हिट के लिए चलाया था वहाँ, लेकिन सिर्फ लक्ष्य पर निगाहें, और यहां पर गेंद को मोड़ दिया थर्ड मैन की तरफ, और इसके साथ ही ये 4 रन का इशारा, और 4 रन के साथ ही ये 6 विकेट से केरला स्ट्राइकर ने ये मैच यहां पर जीत लिया है। 168 का लक्ष्य उन्होंने प्राप्त कर लिया है 18.4 ओवर में, और अपना खाता भी उन्होंने अंक तालिका में खोल लिया है। जिस डांस की, नृत्य की हम बात कर रहे थे, अब आप देख सकते हैं केरला स्ट्राइकर्स के खिलाफ